मसला है। इसमें डाल दूँ यूँ बुखार पड़ेगा ठंड की वजह से ना। तो एक मेहंदी तो खत्म, एक मेहंदी रुक खड़ो ढंग के, अब लगाएंगे हम दूसरी मेहंदी। पूना में मल्टी टैलेंटेड, मुझे फैशन करना भी आता है, मुझे डांस भी करना आता है, मुझे एक्टिंग भी करनी आती है, मुझे वीडियोस भी बनानी आती है, मुझे ब्लॉग भी बनाने आते हैं, मुझे सब काम आता है। बस एक सिलाई नहीं आती क्योंकि वो मैंने सीखी नहीं, बिकॉज अगर वो भी सीखूंगी तो शायद वो भी कर लूँ। थोड़ी मंदिर में एक उसका पेड़ था, मंदिर में उसका मांडी का पेड़ था, मम छोटे छोटे आ करते अल्ले उसके पत्ते लेंदे पीस दे और अल्ले मांडी बना दे ला दे। ये सब ढूंढ दिल मिलने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दिल मिल जाए बस वो है सब। इधर समझ ला लगाई तू मेरा पति गरीब और एक सारा दिन रोशनी करा है, वही तू क्यों गरीब है, क्यों गरीब आग लेके जमा लेने जाने करता, तू क्यों गरीब आ रोज झगड़ा करा। हमने कहा दे थोड़ी थोड़ी के मैं दिया डे न्यू हां बस रुकी बना करिए पल डिजाइन बनाऊंगी मैडम। तेरे मामा ते मामी ना गद्दा दे दिया और बैठ दे दिया, मैं तो खाट पे सोआ करूं, मैं कदे नहीं आज तक कपड़े बिछाए जिंदगी में खरोड़े सो जू, सब ना टाइम पास करके जाड़ा कोई नहीं पूछ लेगा जंदाड़ा अल्ले। फिर उसके बाद श्यामला सोया करता है, जमा तीन महीने मुश्किल तक अड्डे सारा छुड़ा छुड़ा दिया मुझ मुझ फिर वो फाकना पड़ा बट भी नहीं पाट के पापड़ से खड़े खड़े ना मुझे दिया फैक्ट्री आले को बोले सरोज तेरे बटे ना मुझे दिया। फिर काजल ने बोले पापा तने बेइज्जती करवा दी। तो ये लगा दी मैंने मेहंदी और अभी मम्मी कर रही है अपने ये कंप्लीट, क्योंकि मम्मी की ऑलरेडी उंगली धसी हुई थी। लाजा तेरा भी लाऊंगी, एक हाथ करा दे बस ला सही है। थोड़ी सी लगाई मेरी मेहंदी देखो, थोड़ी गिलगिली सी थी यार, अब इसमें मैं क्या करूं, बट आई ट्राई माय बेस्ट। मम्मी को ऐसी ही पसंद है और मुझे भी ऐसी ही पसंद है। काफी गिलगिली 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 मेहंदी थी, प्यारी लाइन। ठीक है चल, आई लव यू, आई लव यू टू। तो अब मैं लगाऊंगी पायल को मेहंदी, तो चलो लगाते हैं। आ जा अलग डिजाइन दिखा दे एक बार। नो मैं ला दूंगी, मैं वो भी तन तो सिंपल लगवानी ना, मतलब प्यारी सी लगवानी। अब प्यारी लाऊंगी, क्यूट गर्लिश लगवानी है। आहो आ जा। सो देखो गाइस मैंने पायल को मेहंदी लगाई, दिखाइए ना घना उसका चौड़ा है। अरे की बात नहीं, सर्कल तो तीन में आओगे, फिर एक छोटा बना ले अड़ा, लेकिन घना गंदा लगेगा पायल आवेगा, बट तेरा हाथ बड़ा छोटा है, क्यों नहीं मेहंदी इस बात ना। सो गाइस ये लगाई है मैंने पायल को मेहंदी, और थोड़ा डिसाइड करना हाथ। इन दो ये जो फूल बनाया है, इन दो में ले पुके जाड़े तब इतना इन अगले तो मोटी नहीं है जो मजा आएगा लड़ लग रही गाइस, इसके रिएक्शन देखो, हमारी फाइट देखना चाहो नहीं।
क्यों मैं खराब कर रही अपनी बड़े हाथ हल ते मार ढड हो रहे बेचारे इसे तो बुढ़े अगे भी बने होंगे सही कर ले सीधा हाँ जी देखो गाइस इसने हग दिया टट्टी कर दी इसने हो गया टट्टी में ऐसा बैठ गई क्यों यार एक तो मुंह भी तो दियो सलवार बांध दी इमान जनार देवगी कौन है अरे सलवार पाट दी गए सलवार पाट दी गए सुना नहीं देखिए खुद जान का गलती करा रही है आधा घंटा लाओगी मम्मी को ना फटाफट ला दी बेचारी चुस्की तक इन हमें लगी लाल उदंदी के सोता है सोता देख सोता जरूरी है उसका तो हाथ चौड़ा देखिए इतना चौड़ा मुझे तो तुझे देखा तो ही जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए तीन सर्कल ज्वाइन दे हां मैं तेनु तीन सर्कल ही दूंगी ना देवा ना तो सारे मेहंदी पे पोचा मार दे कोनो दिक्कत ना है आने पर ना तो मैं लगवा रही थी नी वसा ले बीच में बड़ी लागत तेरा मन बंद
बेचारे का मुंह बासा हो जाए जब मैं बेइज्जती करती हूँ। बूंदी भी अल्टरनेटिव थी, एनू थी गई है। हाँ अल्टरनेटिव थी, ये मैं पुरानी जैसी माइनी माई मुंडे रिप तेरे बोल रहा है कादा जोगन हो गई तेरी दुलारी मन जो भी संग लागा। काटूंगे सारी कर ले, जितनी एक्टिंग मार रही है वो लोग ना सारी काटूंगी सारी एडिटिंग में कट कट। गाइस मेहंदी लगाते हुए हमारे पर ए रुक जा ना, मेरी जींस पर लग गई पर दे रही है और मैंने बजाया इसके रैप टेप और रैप टेप। इन्हें तो बेचारे मेरे कॉलेज के डब्बन देखा है लकर ले एक्टिंग एक्टिंग इसका बेस्ट है कभी कदर ही खोल लिया सारी निकाल दी बाबा। सो गाइस दिस वाज द फेज ऑफ आवर लड़ाई गुड्डी शक्ल की। मेरा गाना कटवा दिया मम्मी, मेरी वीडियो देखने लायक नहीं। तो यहाँ पायल को चुलो गई और मेरी हेयर स्टाइल देख रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हैप्पी करवा चौथ। तो मैं उठ गई थी 7:30 बजे और ये मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा लग रहा है। बजे हैं 10 और आप लोगों को मैंने बताया था कि मुझे फोटोशूट के लिए थंबनेल बनाना है, तो जाएंगे कौंड, पानीपत से थोड़ी दूरी है 7-8 किलोमीटर। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने डाली है वो कुर्ती जो कल मंगवाई थी और इसके लिए चाहिए वाइट और पिंक जूती बिंदी और ये हेयर स्टाइल वेस्टाइल मैंने पहले ही बना लिया, चूड़ियाँ भी पहले ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, बस वहाँ पर जाके क्या करना है लहंगा बस कपड़े ये चेंज करके फिर फोटोशूट करना है। तो चलो अब मेकअप भी कर लेते हैं, पहले सब्जी दिला के लेके आनी है, फिर मेकअप करूँगी, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी एंड हैप्पी करवा चौथ टू ब्यूटीफुल लेडीज। देखो कितनी प्यारी मेहंदी रची है मम्मी को, टर्न ये देखो किसी थी मेहंदी प्यारी बिना काली कल की थी, तेरे बाल भी काले हो गए, बाल ब्लेंडिंग भी हो गए, मेहंदी लाई थी थोड़ी थोड़ी जो कर एक पड़ोस में एक ना बुलाए एक दो पड़वाया ज्यादा हो गई और बिंदी कित गई तेरी वो तो उतर गई। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूं, मेकअप भी कर लिया मैंने, चलो चलते हैं। हां ले लिए 5-7 ले लिए, पानी पूरी पी लिए। इतना बैग ना पीछे दे चल दे। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूं, मेकअप हेयर स्टाइल तो मैंने वही कर लिया था, बस यहां पे आके लहंगा पहना और ये ज्वेलरी पहनी और बस चुन्नी सेट कर रहे हो। मेरी फ्रेंड कहती है तेरा सॉन्ग कब आएगा, हम तो भूल भी गए तेरा सॉन्ग आया था, बड़ा ज्यादा लेट कर दिया। हो गया आंटी ठीक है, रिएक्शन हो गया। हाँ
रिलैक्स करो, वो चीज नहीं आएगी। लेकिन एक काम करो, हल्का सा रिसेट कर दो, ज्यादा हो जाता है हल्का, ठीक है ना। ये दोनों चीज होती है ना, इसको भी थोड़ा सा डाउन ले गया। हाँ एग्जैक्टली, नहीं ये डाउन नहीं, हाँ ये चीज ज्यादा करके घूर के देखते हैं ना वो चीज। तो गाइस फोटोशूट हो गया है और एक हफ्ते में या दो हफ्ते में आ जाएगा सॉन्ग। तो चलो अब घर चलते हैं, और सर दर्द हो जाता है मेरे तो काम करके। अपना घर ठीक है, जो मैं ये काम करती हूँ ना व्लॉगिंग का, वीडियोस का, ये परफेक्ट है। और तो सब हम आ चुके हैं अपने गांव, और तो चलो इसमें भरते हैं पानी। ये है करवा यार, देते हैं अब इसको। और ये मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, मंदिर में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब, इतनी अच्छी महक, मतलब एक अलग ही वाइब आती है, पॉजिटिव वाली बिल्कुल। अच्छा इसको कहाँ रखना है, नीचे? अच्छा इसके ऊपर ऐसे। तो मैं पढ़ रही हूँ कथा, तो चलो पढ़ते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छल्ली में दीपक दिखाकर बहन से बोले कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अघर्य देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक और तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के अर्ध्य दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक पढ़ो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किए और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सहज जीवित हो उठा। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। धन्यवाद। ए लो ननु उधर यात्रा देख लो और सूट भी देना। अब ना पल्ले के बाद लल्ले श्याम लोग उसमें बल्ले आका है उसने दे दे के का करा चमंदा बंदे रहो युगा तो दिया करा खुंटे तो पानी जाओ देवी लतू 20 रुपये तेरे 20 पाल के 20 तेरे ले पाल 20 तेरे। सो गाइस दिस इज माय आउटफिट, हाउ इज इट। पूजा तो हो गई है और 2 बज चुके हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो खाऊंगी खाना, और खीर बनाई है उन लोगों ने साबूदाने की। सब लोग सोच रहे हैं कि मैंने व्रत रखा हुआ है, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा हुआ।
अरे यार मैं किसके लिए व्रत रखूँ बताओ. आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, आई एम सिंगल. मम्मी कसम सिंगल हूँ और खुश हूँ, अपने काम पे ध्यान देती हूँ. इन फालतू चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लाइक बॉयफ्रेंड बनाना एंड ऑल. आई एम हैप्पी. 20 रुपये कमाई होगी तभी ना. सो गाइस अब मैं खा रही हूँ साबूदाने की खीर, मम्मी और ने बनाई थी. मैं नहीं कह रही, मैं सच्चाई बताऊँ, मैं भी बुढ़िया तो पैदा हुई पुराने जमाने के लोग था. पहला 5 बजे तक पहला खा कर दी चूरमा चूर का या फिर सेमी बना का, जुकर मैं लेके मुसलमान रोजे रखा, आप हिंदू हैं तो इसलिए आप खाया करो वहाँ. तो ये आजकल ना फैशन काट दिया, लोग कहा कि 12 बजे पाछा दूसरा दिन लेकर जा है, कुछ नहीं खाना चाहिए. तो इस कर का चाह पी का फिर भी झूठा मुँह करना चाहिए, चाह पी करा वह दुनिया. कोई चूड़ी खरीदा, कोई गुंठी खरीदा है, और जिन अपने आदमी का दिल दुखी है वह के खरीदा, धरती पैसी भी वहां के खरीदा को नहीं, अब अपने भाग लेकर आवा. चल मैं दुआ कर लाऊंगी तेरे इंसान सोने की गुंठी. नहीं मैं तो थारो ही अब बरती रहूंगी. और चल ना पानी पत. तो इस करके यह बात है, पहला असली बात है झूठी को नहीं काजल. 4 बजे उठकर लेंगे. चल संभाल ले आओ थोड़ा सजावट का. मैंने कितनी सुतरी रचनी. चल तेरा ब्लाउज ठीक करवा ले आऊंगी टेलर पर. चलो भाई मैं खा रही हूँ फ्रूट्स सिंघाड़े और मैं खा रही हूँ बादाम. तो अब हम जा रहे हैं पानीपत, कुछ सामान लेके आते हैं क्योंकि दिवाली भी आ रही है. सो गाइस अब हम जा रहे हैं पानीपत. सो गाइस अभी हमने ले लिए हैं सोफे और ये हमें मिल जाएंगे दिवाली तक. तो चलो चलते हैं, 6 बज गए. बहुत बहस हुई कि इतना नहीं उतना नहीं, तो फाइनली सिरसम की लकड़ी के लिए हमने ज़्यादा डिप्लम प्रॉब्लम नहीं है. ज़्यादा ठंडा पानी घर आ गए हैं और अभी मैं बना रही हूँ वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए और कल मुझे जाना है कॉलेज और अभी खाऊंगी खाना. तो चलो थोड़ी देर में खाना रोटी सब्जी आलू की चलो खाते हैं, बहुत भूख लग रही है. तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं और मेकअप तो मैंने किया ही नहीं था, सिर्फ मुंह धोया था वहाँ से आने के बाद. और मेकअप तो वही किया था, वो भी इतना हैवी वूवी नहीं किया था, नॉर्मल किया था. तो अब खाऊंगी खाना और उससे पहले पीऊंगी पानी, बहुत प्यास लग रही है. आज पूरा दिन हो गया मैंने पानी नहीं पिया और आज मैं लेके आई हूँ सोफ़े 44,000 के हैं और सिंपल से हैं, प्यारे से हैं. मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं अपना होम टूर करूंगी, देन मैं आप सबको सब कुछ बताऊंगी कि कहाँ से क्या क्या चीज़ लिया है. तो मेरा मेन मोटिव तो यही है कि दिवाली या फिर मेरे बर्थडे तक सारा कंप्लीट हो जाए. बस अब सोफे रहते थे वो आ गए, बस एक रसोई की फिटिंग रहती है और एक वो अलमीरा सी रहती है, दो चीज़ें और रहती हैं. फिर उसके बाद कुछ नहीं लेके आना, उसके बाद तो बस डेकोरेशंस वगैरह का है, लाइक फ्रेम वगैरह होगी या फिर फ्लावर्स, वो एक्स्ट्रा है. मेन चीज़ें तो हो गई, लगभग डाइनिंग टेबल आ गई, सोफे आ गए, जो चीज़ चाहिए थी वो हो गई घर में. और बाकी मैं आज अपने लिए एक बेड पसंद करके आई हूँ, हालांकि मैं बेड पे सोती नहीं हूँ, बट मैं देख के आई हूँ. 17,000 का था, काफ़ी एक्सपेंसिव था और काफ़ी छोटा सा है और डबल बेड नहीं है, सिंगल बेड है. तो मेरे रूम के अकॉर्डिंग तो वो परफेक्ट है. हम ले ही रहे थे आज, बट मैंने सोचा पहले सोफ़े ले लेती हूँ क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ ले लेंगे बेड. अभी पैसे भी रखने ज़रूरी है ना, क्योंकि एट अ टाइम हमें नहीं पता हमारी लाइफ में क्या हो जाए क्या नहीं, तो इसीलिए. तो चलो अब पानी पीते हैं. मैंने दूध पी लिया और मैं सो रही हूँ और अभी बजे हैं 12. एडिटिंग हो गई है और गुड नाइट, लव यू ऑल.
मैंने फास्ट नहीं रखा, पायल ने वीरवार का व्रत रखा हुआ था और मम्मी ने फास्ट रखा था। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल, ठीक है, बाय।